इस वीडियो में मैं इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स को एकदम आसानी से ब्रेक करूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को इफ एल्स स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स को ए टू जेड एकदम देसी भाषा में लेमन टर्म्स में बताऊंगा। कीप वॉचिंग। सो गाइस, इफ एल्स का मतलब क्या है? अगर मैं देसी वाली भाषा में बात करूं तो इफ एल्स का मतलब है अगर मगर, अगर ऐसा तो वैसा, अगर ये तो वो, अगर ऊपर तो नीचे जाओ, अगर ऐसे करो तो वैसे करो। ये सब चीज़ें तो यार हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। ऐसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आप मार्केट में जाना, अगर अंडे नहीं मिले तो आप एक काम करना सब्ज़ी ले आना, अगर सब्ज़ी नहीं मिले तो एक काम करना न्यूट्रेला का पैकेट ले आना और ना दाल ले आना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अगर हम अपने प्रोग्राम से करवाना चाहते हैं अपनी मशीन में कि अगर किसी ने एज इनपुट करी, अगर वो 18 से कम है तो उसको गाड़ी चलाने मत दो, वरना उसको गाड़ी चलाने दो। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए हम इफ एल्स कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा अपने प्रोग्राम से बात करने का तरीका होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तभी एग्जीक्यूट हों जब वो कंडीशन मेट करे। तो अगर इफ के अंदर की चीज ट्रू होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना अगर कोई एल्स इफ है तो वहां जाएगा, वरना सीधे वो एल्स में जाएगा। अब यार ये मैं कोड जैसे आपको बोल के बता रहा हूं, मुझे पता है कि इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और वहां समझते हैं इफ एल्स कंडीशंस को कि ये क्या होते हैं और किस तरह आप लोग इफ एल्स कंडीशंस को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स को अच्छा एफिशिएंट और कंप्लीट बना सकते हैं। अब मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो आज का ये वीडियो पूरा डेडिकेट कर रहा हूं इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं कहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर ये मेरी सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप अभी के अभी इसको एक्सेस कर लें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोगों के पास ये कोर्स की प्लेलिस्ट नहीं है, अगर आपके पास कोर्स की इंडेक्स नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ को अभी के अभी एक्सेस कर लें। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग को सिखाऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर सी इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो सी के इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली सी इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अभी इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सी के अंदर, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है कि आप लोग को कभी कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स चलाने पड़ते हैं जो कि एक कंडीशन अगर ट्रू है और आपको पहले से नहीं पता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप लोग इफ़ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स का एक रूप होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो एक कंडीशन रहेगी हमारे पास और अगर वो कंडीशन सच है या वो कंडीशन फॉल्स है इस पर डिपेंड करेगा कि हमारे प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट करेगा और कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इस चीज़ को आगे देख लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स आप लोग को दिखाना चाहूँगा क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, एक तो हमारे पास सिंपली इफ स्टेटमेंट होता है, तो एक हमारे पास सिंपली ये इफ स्टेटमेंट होता है, दूसरा हमारे पास होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट, और एक और हमारे पास क्या होता है इफ एल्स इफ लेडर। अब ये सब क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, अभी इसका कोड भी लिखेंगे, तो आप लोग ज़रा टेंशन मत लेना कि ये क्या होते हैं और मैं एकदम से आप लोग क्या बता रहा हूँ। और इसके बाद होते हैं हमारे पास नेस्टेड इफ। तो चारों टाइप्स मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक सिंपल सा इसके सिंटैक्स का टेस्ट देना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करता हूँ और आप लोग को सिंटैक्स का टेस्ट देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और इस लाइन को खींचने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंटैक्स का टेस्ट। ठीक है, तो सिंटैक्स का क्या टेस्ट देखते हैं। तो देखो सिंटैक्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंटैक्स फॉर इफ एल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो क्या होता है कि हम लोग सिंपली इफ़ लिखते हैं और मान लो मैंने लिख दिया 3 greater than 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट एफ और मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ दिस विल एग्जीक्यूट। क्यों करेगा ये एग्जीक्यूट? क्योंकि जो इफ़ के अंदर की कंडीशन है वो मेरी ट्रू हो जाएगी, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो नहीं लिखते हैं इफ़ के अंदर, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जैसे मान लो यूज़र ने इनपुट किया कोई नंबर और हम उसके बाद देखना चाहते हैं कि क्या वो नंबर बड़ा है 3 से या फिर क्या वो नंबर छोटा है 18 से, तो उस हिसाब से हम लोग जो आउटपुट को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने इफ़ के अंदर लिख दिया कि इफ़ 3 greater than 2, तो प्रिंट एफ ये, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पर फॉल्स कंडीशन लिख देता तो मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से आके सीधे इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, तो मेरा प्रोग्राम डायरेक्टली इस चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, मेरा जो प्रोग्राम है वो सिंपली इस इफ़ के अंदर चला जाएगा और उसके बाद अपने एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता रहेगा।
तो अगर मुझे यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना पड़ जाए, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ फ्लो चार्ट फॉर इफ स्टेटमेंट, तो मैं आप लोग को उसका फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। अभी फ्लो चार्ट क्या होता है, देखो फ्लो चार्ट से क्या होता है कि सिंपली आप लोग को कुछ मदद मिल जाती है, आप लोग देखोगे तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि इफ स्टेटमेंट किस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये मेरे प्रोग्राम का फ्लो है, ठीक है। यहाँ से मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, एक कंडीशन को चेक करेगा कि भाई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली कंडीशन, और यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दिया। अब ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या ये फॉल्स हो सकती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देखो दो ही चीज़ें होंगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, एग्जीक्यूट इफ कोड। तो ये एग्जीक्यूट करेगा क्या, इफ कोड। तो एग्जीक्यूट इफ कोड, वरना अगर ये फॉल्स हो गई तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तब ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा सीधे आफ्टर इफ के कोड को। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा इफ कोड को, और उसके बाद यहाँ पर मेरा उसके बाद आफ्टर इफ कोड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर इफ कोड, यानी कि वो कोड जो कि इफ के बाद मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आ जाएगा इसके बाद आफ्टर इफ कोड में। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गई तो ये डायरेक्टली आफ्टर इफ कोड में आ जाएगा, तो जंप कर देगा ये इफ स्टेटमेंट को। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे अपने प्रोग्राम में कि किस तरह काम करती है। अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ लो कि इफ के अंदर की जो भी चीज़ है वो इग्नोर हो जाएगी अगर उसकी कंडीशन फॉल्स है। इसके बाद मैं फ्लो चार्ट बनाना चाहूँगा इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट कुछ किस तरह से होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लो चार्ट फॉर if else statement, ठीक है। if else जो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, उसका क्या फ्लो चार्ट होता है। तो ये हमारा प्रोग्राम का बेसिक फ्लो है। यहाँ पर कंडीशन है, तो अब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो कंडीशन होती है उसको हम ये डायमंड शेप बॉक्स में बनाते हैं। तो ये क्या होगा, इफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा अगर ट्रू है तो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट इफ कोड। तो या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी कंडीशन हमारी, बीच में तो इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। या फिर क्या होगा, अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या होगा, ये एल्स के कोड में चला जाएगा। तो अगर ये फॉल्स हो गई तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स कोड, तो ये एल्स का जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जीक्यूट एल्स कोड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, मैं इसको थोड़ा ठीक से इरेज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये लिखना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूट एल्स कोड। तो एग्जीक्यूट एल्स कोड मैं करूँगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट एल्स कोड। तो ये एल्स के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोड आफ्टर, जो भी कोड इसके बाद आया था उसमें आ जाएगा इसके बाद। तो वापस से इसके बाद क्या करेगा, ये जो कोड हमारा था उसमें वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, तो उसके बाद वाले कोड में ही आ जाएगा। तो इसने क्या किया, इफ को चेक किया, कंडीशन को ट्रू हुई तो इफ के कोड को एग्जीक्यूट किया, वरना क्या किया, अगर फॉल्स हुई तो एल्स के कोड को एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद ये उसके बाद जो कोड लिखा हुआ था उस पे आ गया। तो ये भी एकदम क्लियर है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को जो तीसरा टाइप बताया था इफ एल्स लेटर, उसका एक बार देख लेते हैं। उसका भी फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट्स हम क्यों बना रहे हैं, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्लो चार्ट्स के बारे में कि ये आपको एक बहुत अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेने से क्या होता है, फ्लो चार्ट फॉर इफ एल्स इफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स इफ लैडर, ठीक है। तो ये जो हमारा ये इफ एल्स इफ लैडर होती है, इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसे बनता है। तो ये मेरा प्रोग्राम का फ्लो था, क्या करेगा, एक कंडीशन को चेक करेगा जो कि मेरे पहले इफ़ के अंदर। अब ये सारा मैं आप लोग कोड में बताऊंगा, तो अभी आप लोग कोड के बारे में नहीं सोचना है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। मैं डायरेक्टली कोड में इसके बाद जंप करूँगा और आप लोग को थोड़ा फास्ट कोड लिख के दिखाऊंगा। तो अगर ये फॉल्स हो गई या तो ये ट्रू होगी, इन दोनों में से एक ही काम होगा, कुछ बीच का तो नहीं हो सकता। अगर फॉल्स हुई तब क्या होगा, अगर ये फॉल्स हुई तो ये क्या करेगा, एक दूसरी कंडीशन को चेक करेगा जो कि इसके एल्स इफ के अंदर होगी, ठीक है। तो कंडीशन टू को चेक करेगा, ठीक है। अब या तो ये ट्रू हो सकती है या ये फॉल्स हो सकती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन टू ट्रू होगी, अच्छा कंडीशन वन अगर ट्रू होगी तब क्या होगा, तब ये स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी हमारा इफ कंडीशन वन के अंदर लिखा हुआ है उसको मैं स्टेटमेंट वन कह रहा हूँ। और उसके बाद जो भी हमारा आफ्टर इफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर इफ कोड, तो ये हमारा आफ्टर इफ कोड है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया है आफ्टर इफ कोड। और अगर ये ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करने के बाद ये आफ्टर इफ कोड में आ जाएगा। और ऐसी जितनी भी कंडीशन हमने लगाई हुई है एल्स इफ, तो ये कंडीशन होगी हमारी इफ के अंदर, ये होगी हमारी एल्स इफ के अंदर, और उसी के साथ साथ एल्स इफ के अंदर आएगी, और फाइनली हमारी एक कंडीशन होगी वो एल्स के अंदर होगी। और वहाँ तक कंट्रोल तब जाएगा
जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती चली गई तब क्या होगा, ये हमारा else वाले कोड के अंदर आ जाएगा और उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, else के अंदर चला जाएगा और इस else के अंदर कोई कंडीशन नहीं होगी तो डायरेक्टली हमारा जो स्टेटमेंट n है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट n और ये पक्के से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट n लिख दिया है और इस स्टेटमेंट n के बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारा आफ्टर इफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है इफ एल्स इफ लेटर का। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, इसको कोड में देखेंगे कि किस तरह दिखता है, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट्स हैं ये हालांकि आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं कहीं पर, लेकिन मैं आप लोगों को कोड लिखकर जब दिखाऊंगा तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ सिंटैक्स भी सबका। तो मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ और अब आप लोग को सिंटैक्स दिखा देता हूँ। तो मैं रेड कलर से यहाँ पर सिंटैक्स दिखा देता हूँ आपको। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे दिखता है, तो इफ़ होगा, कंडीशन होगी और उसके बाद आप इसके अंदर कोड लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो इफ एल्स होता है उसमें क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स और आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो इफ़ होगा हमारा, ठीक है, कंडीशन होगी और उसके बाद इफ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आ जाएगा, और एल्स वाला कब एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट तब होगा जब हमारी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तब एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एल्स इफ फॉल्स, तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका सिंटैक्स मैं दूसरे वाले पेज में बताता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इफ एल्स इफ सिंटैक्स, ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी आप लोग को बता देता हूँ। तो क्या होगा, इफ होगा कंडीशन वन, ठीक है, कंडीशन वन, फिर उसके बाद एल्स इफ कंडीशन टू, और ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ कोड होगा यहाँ पर, और else if के बाद कंडीशन टू होगा, यहाँ पर एक स्पेस आएगी। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि else if मिला हुआ नहीं है, इसके अंदर एक स्पेस है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कुछ कोड होगा, इसको कोड वन बोल देते हैं, इसको कोड टू बोल देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता चला जाएगा और फाइनली एक else आएगा, और अगर सारी कंडीशंस हमारी फेल हो गई ट्रू होने से तब यहाँ पर ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वहाँ पर देखते हैं कि कैसा दिखता है। मैं सिर्फ करके कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप लोग को एक बार कोड देखना पड़ेगा और अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा है समझ में आएगा। ऑल राइट, तो यहाँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा जिसका नाम मैं यहाँ पर रखूँगा tutorial10.c। तो ये एक सी फाइल है और मैं क्या करूँगा, अपने जो main.c है मैंने जो कि बनाया था, ये मेरी एक टैंपलेट का काम करेगा थ्रू आउट द कोर्स। मैं यहाँ पर लिखूँगा tutorial10.c और मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। एक बार रन करके देख लेता हूँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं, कि हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है कि नहीं। वैसे सब कुछ अच्छे से चलेगा लेकिन तब भी मैं एक बार रन करके इसको देख लेता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन लिख के आता है नीचे और उसके बाद ही रन हो जाता है। तो मेरा रन हो चुका है, देखो हेलो वर्ड लिख गया है, और मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो हेलो वर्ड यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट ये आया था कि हैरी भाई हम लोग जब करते हैं रन तो हमारा टर्मिनल में नहीं दिखाता है और यहाँ पर हमारा दिखाता है। तो मैं उसके लिए आप लोग को बताता हूँ, आप लोग सेटिंग्स में जाना और यहाँ पर आप लोग कोड रनर में जाना, ठीक है, और यहाँ पर इसको चेक कर देना, क्लियर प्रीवियस आउटपुट को चेक कर देना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लियर पे सेटिंग्स में गया मैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कोड रनर लिखा, उसके बाद ये कोड रनर का मेरे पास एक सेटिंग आई कि क्लियर प्रीवियस आउटपुट। तो उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा प्रीवियस आउटपुट जब भी आप ये बटन दबाएंगे। उसके बाद आप लोग को एक और चीज़ दी है कि मुझे याद तो नहीं है कमांड, लेकिन तब भी मैं आपको देख के अभी के अभी हैंड टू हैंड बता देता हूँ। तो दूसरा जो कमांड है वो ये है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका टर्मिनल में रन हो, देखो रन इन टर्मिनल। तो आप अगर इसको करेंगे वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो आपका क्या होगा, तो आपका प्रोग्राम इनपुट भी ले पाएगा, वरना आपका प्रोग्राम इनपुट नहीं ले पाएगा। तो आप लोग ये दोनों सेटिंग्स को चेक कर दीजिए, ठीक है। और मैंने अपने लिए सेव फाइल बिफोर रन पे भी चेक किया हुआ है, इससे क्या होता है कि फाइल सेव हो जाती है रन करने से पहले। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, tutorial10.c लिखा हुआ है, इसको जैसे ही मैं दबाऊँगा तो मेरा टर्मिनल भी क्लियर हो जाएगा और उसी के साथ साथ मेरा ये टर्मिनल पे दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा, वरना ये आउटपुट में दिखाता है और यहाँ पर आप इनपुट नहीं ले सकते, कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर लिख कर आता है एरर। तो इसीलिए स्कैनर वगैरह अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप लोग कर पाएंगे। चलो अब चलते हैं हमारे इफ एल्स कंडीशनल्स के ऊपर। तो मान लो मैं किसी से मैं बोलता हूँ एंटर अ नंबर, तो मैं लिखता हूँ एंटर अ नंबर, एंटर योर एज लिखते हैं फिर, ठीक है, Enter your age, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तो वो वोट कर पाए, और अगर 18 से कम है एज उसकी तो वो वोट ना कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले तो स्कैनर लिखूँगा और मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ऑब्वियसली। तो मैं int age नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ,
और मैं यहाँ पर परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करूँगा और एम परसेंट का यूज़ करूँगा जो कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, जिसके बारे में हम अभी आगे और बात करेंगे जब हम पॉइंटर्स देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग बस ऐसा समझ लो कि स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एज लिखने से क्या होगा कि आपका जो भी यूज़र डालेगा नंबर वो एज में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, शो कराऊँगा यूज़र को, कहूँगा कि आपने ये एंटर किया, तो मैं लिखूँगा यू हैव एंटर्ड और मैं यहाँ पे लिखूँगा मैंने परसेंटेज डी गलत लिख दिया, मुझे यहाँ पर लिखना है यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी एज योर एज, आपने अपनी एज को कुछ ये लिखा है। और उसके बाद मैं एज लिख दूँगा, सेमी कॉलन लगाना आप गलती से भी मत भूलना, और उसके बाद एक बैक स्लैश एन लगा दूँगा। बैक स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर होता है और ये मैंने अपने एस्केप सीक्वेंस के ट्यूटोरियल में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो क्या होगा कि अब मैं अगर इसको सिर्फ रन करूँ, सिर्फ मैं एक बार देखता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तो एंटर योर एज पूछा, मान लो 78 और ये बोल रहा है यू हैव एंटर्ड 78 एज योर एज, तो अभी तक सब कुछ सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, तो मैंने अपना पहला इफ़ स्टेटमेंट लिखा। देखो जैसे मैं इफ़ लिखूंगा मेरा इंटेलिजेंस काम करेगा और ये मुझे कुछ सजेशंस देगा, तो मैं अगर इसको कुछ इस तरह इस पर क्लिक कर दूंगा तब ये कह रहा है कंडीशन लिखो। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड कर रहा है, ये सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर या फिर कोई भी और चीज़ नहीं कर रही है, ये विजुअल स्टूडियो कोड का जो हमने C++ इंटेलिजेंस नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है वो हमारी मदद कर रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कंडीशन लिखो, इफ़ कंडीशन, तो कंडीशन में मैं लिख दूंगा एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो मैं लिखूंगा, मैंने गलती से कैप्स लॉक दबा दिया, एज इज़ ग्रेटर देन 18 और इसके बाद मैं टैब दबाऊंगा। टैब दबाने से क्या होगा, मैं इसके दूसरे वाले ब्लॉक में आ जाऊंगा, तो मुझे एरो की से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं स्निपेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इनबिल्ट स्निपेट है और मैं टैब दबाऊंगा तो मैं यहाँ पर आ गया। ये चीज़ आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको मैनुअली भी लिख सकते हो इफ़ और उसके बाद ये ब्रैकेट में एज ग्रेटर देन 18 उसके बाद ये ब्रैकेट उसके बाद ये ब्रैकेट बंद फिर उसके बाद ये कोड, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर आप लोग स्निपेट्स यूज़ करते हो तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ यू कैन वोट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू कैन वोट, ठीक है, सिर्फ इतना लिखूँगा। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको रन करूँगा अभी यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मान लो 45 मैंने एज की एंटर, तो ये कह रहा है यू हैव एंटर्ड 45 एज योर एज यू कैन वोट। लेकिन अगर मेरी एज 6 होती तभी कह रहा है यू हैव एंटर्ड 6 एज योर एज, और ये इसके अंदर नहीं गया, तो इसने क्या किया सीधे स्किप कर दिया इतने पार्ट को और ये सीधे कूद गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर कंडीशन ट्रू होती तो उसके अंदर जाता तब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हमारा बेसिक इफ था जिसकी बात मैंने आप लोगों से की थी। अब मैं इसी के साथ साथ एक एल्स जोड़ सकता हूँ, तो ये इफ एल्स हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो हम ये दिखाएंगे वरना ये दिखाएंगे। इफ और एल्स में से सिर्फ एक चीज़ एग्जीक्यूट होगी, या तो प्रिंट एफ ये एग्जीक्यूट होगा या फिर जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो एग्जीक्यूट होगा, यू कैन नॉट वोट। दोनों एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहाँ इसके अंदर घुसेगा, वरना एल्स का मतलब होता है कि वरना ऐसा करो, तो या तो ऐसा करेगा वरना ऐसा करेगा, तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पर रन करूँगा तो क्या होगा, मैं जैसे लिखूंगा यहाँ पर 6, तो ये कह रहा है ये वेंडेड 6 इज योर एज यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 19 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, कह रहा है कि यू कैन वोट, तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूँ ताकि 18 वाला भी जो है वोट डाल पाए। तो मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो मैंने 18 लिखा तो ये कहेगा यू कैन वोट। तो ये हमारा बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह हम लोग इफ़ एल्स और एल्स इफ को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर 6 से लेके और 8 तक एज है तो वो कुछ ऐसे प्रिंट कर दे कि यू आर नॉट इवन अ टीनेजर, कुछ ऐसे प्रिंट कर दे। तो मैं सिंपली अभी सोच रहा हूँ, तो मान लो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यू कैन वोट हो जाएगा। लेकिन एल्स इफ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्स इफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एज इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तब ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा, पहले इसको चेक करेगा फिर इसको चेक करेगा जो मैं अभी लिखने वाला हूँ else if के अंदर। तो मैं लिखूँगा अगर ये 10 से ग्रेटर है यानी कि 10 और 18 के बीच में है तब क्या करेगा, तब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यू आर बिटवीन 10 टू 18 एंड यू कैन वोट फॉर किड्स। मैं बहुत ही बना के लिख रहा हूँ कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पर इसको फोकस करें कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ना कि इसको कि क्या लॉजिक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इफ़ के अंदर ही घुसेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये एल्स इफ के अंदर घुसेगा कब, एल्स इफ के अंदर ये तब घुसेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये एल्स इफ के अंदर घुस के इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगले एल्स इफ में जाएगा अगर कोई अगला एल्स इफ है तो, और वरना ये एल्स को प्रिंट करेगा। तो चलो देखते हैं एक बार इसको रन करके प्रोग्राम को। तो एंटर योर एज, मान लो मैंने 4 प्रिंट करी तो ये कह रहा है यू हैव एंटर्ड 4 एज योर एज यू कैन नॉट वोट।
ये चेक करी फॉल्स निकली, ये चेक करी फॉल्स निकली, इसलिए एल्स के अंदर चला गया। दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ आप लोग को, अगर मैं यहाँ पर 18 लिख दूँ या फिर 19 लिख दूँ जो कि पहली कंडीशन को ट्रू कर देगा, तो यहीं के यहीं बात खत्म हो जाएगी। कह रहा है यू कैन वोट और सीधे रिटर्न जीरो, क्योंकि ये सारा कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। एक और सिनेरियो आप लोग को दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एज को लिख दूंगा 4 और यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 12 रख देता हूँ ताकि दूसरी कंडीशन सच हो जाए। तो ये कह रहा है यू आर बिटवीन 10 एंड 18 एंड यू कैन वोट फॉर किड्स। तो यहाँ इसको चेक किया इसने, फॉल्स निकली, फिर इसको चेक किया, ये ट्रू निकल गई, तो यहीं पर ये रुक गया और उसके बाद ये सीधे कूद गया कहाँ, एल्स के बाद वाले कोड में। अब एक सिनेरियो आप लोग को और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एल्स को हटा दूँ और सिर्फ इतना रखूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ, मान लो मैंने एज लिख दी यहाँ पर 14, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये एल्स के अंदर घुसेगा अगर ट्रू है तो। एल्स का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं ये बताना चाहता था आपको इस एग्जांपल से। इफ़ के अंदर चेक करेगा कंडीशन को, फॉल्स निकली क्योंकि हमने जो एज एंटर की है वो 14 है, उसके बाद इसको चेक करेगा, एज ग्रेटर देन 10 है, हाँ ग्रेटर देन 10 है, यहीं पर रुक जाएगा। तो क्या होगा, और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 4 डाल देता हूँ ताकि हमारी दोनों कंडीशन जो हैं वो फॉल्स हो जाएँ, तब ये कुछ नहीं, इसको एल्स की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे रिटर्न जीरो पे कूद जाएगा। तो एल्स मस्ट नहीं है लेकिन एल्स को आप लगा सकते हो। तो ये था हमारा एल्स एल्स इफ एल्स। तो मैं कंट्रोल जेड करके ज़रा एल्स को वापस ले आता हूँ और मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एज इज़ ग्रेटर देन 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर एज इज़ ग्रेटर देन 3 कर देता हूँ, यू आर बिटवीन 3 एंड 3 to 10, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड यू कैन वोट फॉर बेबीज, ठीक है, रन करता हूँ इसको। मान लो मैंने 4 लिखा तो ये कह रहा है यू आर बिटवीन 3 to 10 एंड यू कैन वोट फॉर बेबीज, और इसको इक्वल टू कर देता हूँ यार, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है 3 to 10 और यहाँ पे 10 to 18 बोला है। तो लॉजिक आप लोग बना लोगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपली मैं आप लोग को ये काम कैसे करते हैं ये सब चीज़ें ये समझाना चाहता हूँ। तो अगर मान लो मैंने 56 एंटर की तो ये कह रहा है यू कैन वोट, क्योंकि ये यहीं पर ये कंडीशन सच हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग को मैं एक क्विज़ देना चाहता हूँ। क्विज़ आप लोग को मैं ये देना चाहता हूँ कि 3 तरह की गिफ्ट्स हैं। एक तो गिफ्ट देने हैं हमको उन लोगों को जिन्होंने मैथ्स और साइंस का एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है, एक गिफ्ट है जो हमको देना है जिन्होंने सिर्फ साइंस का एग्ज़ाम पास किया है, और एक गिफ्ट हमको देना है जिन्होंने मैथ्स का एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पूछना है लोगों से कि उन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए हैं। जिसने दोनों एग्ज़ाम पास किए हैं उसको आप क्या करोगे, एक गिफ्ट दोगे। तो ये गिफ्ट जो है वो 45 रुपीज़ का है। सिर्फ साइंस जिसने पास किया है वो कितने का है, वो 10 रुपये का है, और जिसने मैथ्स पास किया है वो 10 रुपये का है, ठीक है। तो या फिर एक काम करते हैं 15-15 का दे देते हैं उनको, वरना बुरा मान जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 15 + 15 जो कि 30 होता है, हम मैथ साइंस जिन्होंने दोनों हमारे एग्ज़ाम पास किए हैं उनको हम 45 का एक दे रहे हैं, और उनको ये 15-15 नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जो कि पूछेगा यूज़र से कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स पास किए हैं, और उसके हिसाब से उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट द टाइप ऑफ गिफ्ट यू आर गिविंग टू देम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है नीचे कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखोगे और मुझे क्विज़ का क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे। तो ये क्विज़ देखता हूँ मैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। सो यार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या डाउट्स आ रहे हैं, और आपको अगर किसी भी तरह लगता है कि ये कोर्स फास्ट जा रहा है या फिर ये कोर्स स्लो जा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम लगती है कोर्स में, तो मुझे बता देना बिफोर एंड, ताकि मैं इम्प्रूव करूँ और आप लोग की लर्निंग एक्सपीरियंस को मैं इन्हेंस कर सकूँ। उसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि ये जो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अपनी वेबसाइट पर इस कोड को डाल दूंगा, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। आप लोग को जल्दी ये कोड मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन से, और आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके अपने अपने कंपाइलर में IDE में देख सकते हैं। उसके अलावा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने अगर कोई पिन किया हुआ है कमेंट तो उसका रिप्लाई करें ताकि वो मुझे मिल जाए, और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं एक एक करके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ सीरीज़ को शेयर जरूर से करना। सो गाइस आशा करता हूँ कि इफ़ेल्स कंडीशंस आप लोगों को समझ में आएंगे और अब आप लोग लिख पाएंगे प्रोग्राम्स अच्छे अच्छे इफ़ेल्स कंडीशंस से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन से इस कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल खो जाएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और ये कोर्स आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। और मैं आने वाले जो वीडियोज़ डालने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर C++ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स में, वो आप लोग मिस कर देंगे। उसी के साथ साथ इस कोर्स में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा जो कि मैंने पर्सनली
सीखी हैं जो कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में चीज़ों को देखकर और ऑब्जर्व करके उनका देसी भाषा में उनकी एक एनालॉजी बनाई है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सब चीज़ें आप सीखें तो अभी सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें इस कोर्स को, ताकि सपोर्ट बना रहे आप लोगों का। सो यार, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।